25 मई को यानी एक दिन बाद जो है वो एक लॉन्ग मार्च के नाम पे एक फितना फसाद मार्च जो है वो किया जा रहा है। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। ये कौम को तकसीम करने के लिए किया जा रहा है, ये मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार को फ़रोग देने के लिए किया जा रहा है। इसी बयानियों को लेके पिछले एक माह से जो है ये टोला पूरे मुल्क में जो है वो घूमता रहा है, और जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता रहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, हम वहाँ पे आएंगे तो हम वहाँ पे इस तरह से जो है वो वहाँ पे जो है वो अफरा तफरी और अनार्की जो है वो फैलाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे। और ये कहा गया कि जी इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हम हुकूमत को उठा के ज़बरदस्ती जो है वो बाहर फेंक देंगे। तो इस सूरत हाल में और ख़ास तौर पे जो 2014 में इनका अमल था कि इन्होंने पहले कहा कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, और हमें जिस जगह पे इन्होंने मुआहदा किया इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम यहाँ पे महदूद रहेंगे, यहाँ पे आके इन्होंने वहाँ पे रुकने की बजाय जो है वो ये रेड जोन में जो है वो दाखिल हुए। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव किया, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गिरेबान से पकड़ के घसीटने की बातें की, इन्होंने सिविल नाफरमानी के लिए जो है वो लोगों को यहाँ पे उभारा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर जो है वो गंदे कपड़े जो है वो डाले, और इस तरह से इन्होंने हर वो अपनी वादा खिलाफी की जिसके तहत जो है ये यहाँ पे ये पहले आके इकट्ठे हुए थे या पुरअमन एहतजाज के नाम पे इन्होंने एक्सेस हासिल की थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही, और इनको जो है वो रोका जाएगा ताकि ये अपना गुमराही का एजेंडा, कौम को तकसीम करने का एजेंडा जो है उसको जो है वो आगे जो है वो ना बढ़ा सकें।